आज के इस कार्यक्रम के आयोजन इस मंदिर के प्रमुख पुजारी हमारे छोटे भाई पुष्पेन महाराज जी, हमारे दूसरे साथी यहाँ पर उपस्थित विश्वकर्मा बंधु तिवारी जी, मुरारी पांडे, यादव जी, अजीत खान, सत्यकांत मिश्रा जी, पप्पू भाई, अशोक यादव, उमेश दिलीप तिवारी जी, पंछी सिंह, अशोक यादव और अजीत भाई, सभी यहाँ पे उपस्थित इस इलाके के यादव जी, सभी इस इलाके के रहने वाले सभी रहवासी भाई और बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को हनुमान जी की कल जयंती थी और उस जयंती के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर भंडारा का आयोजन किया गया है, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। राजकुमार विश्वकर्मा जी ने और मुरारी पांडे जी ने बहुत सारी बातें यहाँ पर करी रखी। हम सारे लोग हमेशा मिलजुल कर यही हम सब की कोशिश होती है कि इलाके में रहने वाले लोग, क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कैसे मदद किया जा सके, उनके ऊपर अगर कहीं अन्याय हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, तो उससे कैसे उनको न्याय दिया दिलाने का काम किया जा सके, उनके साथ इंसाफ हो उसकी भी कोशिश की जा सके। पिछले 25 साल से इस क्षेत्र में अलग अलग इलाकों में अलग अलग मोहल्लों में हमेशा ये कोशिश हुई है कि विकास की राजनीति, आजकल की राजनीति थोड़ा अलग दर्जे की हो गई है, झूठ बोलने की राजनीति हो गई है, कटुता पैदा करने की राजनीति हो गई है। अरे कुछ भी स्वागत करेंगे, अरे भाइयों आ जाने दोगे? जैसे देखा आपने जन्म हनुमान जन्म उत्सव में नसीम खान जी हर साल भी आते हैं, हर समय जब भी मंदिर में भंडारा हो श्री राम जानकी मंदिर यहाँ पे आते हैं। भैया आज क्या शुभ क्षेत्र जाएंगे? एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे पुष्पेंद्र गोस्वामी जी यहाँ पे किया गया है। नहीं, मैं सबसे पहले पुष्पेंद्र महाराज जी को और इनकी पूरी टीम को और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को हनुमान जी की जयंती के अवसर पर, जन्मदिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और हमेशा से मैंने देखा है कि इस मंदिर के प्रांगण में हर धार्मिक कार्य बहुत ही सुचारू रूप से, बहुत ही अच्छे और बहुत तरीके से यहां पर मनाने का काम होता है। मैं सबको अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। भाई एक आखिरी सवाल आप सुनूंगा मैं, उत्तर मध्य मुंबई जिला हर जगह मुंबई की सभी सीटें तकरीबन तय हो गई हैं। उत्तर मध्य मुंबई जिला के अंदर सभी लोगों के अंदर एक अपेक्षा है कि कांग्रेस उम्मीदवार कौन होंगे और भारतीय जनता पार्टी कौन होंगे। कांग्रेस में सभी जो आपके समर्थक हैं, जो भी आपके चाहने वाले हैं, चाहे राष्ट्रवादी मित्र पक्ष आपके, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग, शिवसेना के लोग, सबके अपनी एक ही चॉइस है, अगर ये सीट गठबंधन में गई है कांग्रेस को तो उसके निश्चित तौर पर उम्मीदवार नसीम खान जी होना चाहिए। ठीक है, लोगों का प्यार है, लोगों का समर्थन है, तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन उम्मीदवार कौन होगा कब वो पार्टी आलाकमान तय करेगी। हम लोग की हमेशा से ये कोशिश रही है कि हर क्षेत्र में विकास की राजनीति हो, अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो उसके लोगों को न्याय दिलाने के लिए खड़े होने का काम करना चाहिए। तो हम लोग की एक नीति रही है और उस नीति के तहत पिछले 25 साल से इस मुंबई शहर में लोगों की सेवा करने का काम हम लोग करते रहे हैं और आगे भी मजबूती के साथ इसी तरह से काम करेंगे। इतना नसीम खान जी पूछे गए हर सवाल का उन्होंने दिया है बेबाकी जवाब। अब देखना होगा कि कांग्रेस हाईकमान अब यहाँ पर उम्मीदवार कौन देती है। बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा आणि सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहा तुमच्या मोबाईलवर।